Hi everyone, what's up? Welcome again to our channel. So today we will discuss about the transcript process for the West Canada. So कि आप अपने transcript और जो documents हैं वो किस तरीके से verify करवा सकते हो और आपको अगर यदि आपके technical board या university से transcript लेनी है तो उसका क्या process है और ये सारे जो processes हैं वो मैंने किस तरीके से किए, कौन कौन से steps आपको लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करूँगा. सो सबसे पहले लेट्स से फॉर द सिनेरियो यूनिवर्सिटी इज ऑफलाइन, तो आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करना है और आफ्टर दैट आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर देना है एंड विद इन 25 to 30 days आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगी, या तो आपके होम एड्रेस पे आ जाएगी या फिर आपको यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी. जैसे ही वो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है आपको एनवलप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो आपको विद इन द यूनिवर्सिटी एक स्पीड पोस्ट ऑफिस होगा या फिर यूनिवर्सिटी के नियर बाय एक पोस्ट ऑफिस होगा जो यूनिवर्सिटी यूज करती है मोस्टली फॉर द डॉक्यूमेंट प्रोसेस. आपको उस वाले पोस्ट ऑफिस पे जा करके वो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली सिंपल जो आपको वेस्ट कनाडा का एड्रेस है वहाँ पर सेंड कर देना है. तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो भी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलती है उसको किसी और एनवलप में नहीं डालना है, जो भी आपको ट्रांसक्रिप्ट जैसी मिली है वो वैसी की वैसी आपको सेंड कर देनी है विद इन सील्ड एनवलप. तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे ट्रांसक्रिप्ट कैसे मिली थी. ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी, इसके अंदर मैंने दो सेट ट्रांसक्रिप्ट के मंगवाए थे, तो इसके अंदर दो एनवलप थे, एक एनवलप में एक सेट, दूसरे एनवलप में दूसरा सेट, और उसके ऊपर एक ये कवर था जो कि बोर्ड लगाता है स्पीड पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के लिए. तो आपको इसके अंदर दो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि क्या था. ये था, इसके अंदर एक सील्ड एनवलप में ट्रांसक्रिप्ट मिली थी, उसके ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें पेस्ट करी ये देख रहे होंगे आप कि मेरा नाम भी हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि वो राजस्थान में टेक्निकल बोर्ड था तो वो मोस्टली हिंदी में काम करता है, तो इसका कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं. तो इसके ऊपर आपको स्टिक कर देना है ये जो कनाडा का एड्रेस है, जो आपने जो आपको बेस्ट रेफरेंस नंबर मिला होगा तो उसी टाइम पे आपको ये एक एड्रेस मिला होगा और करंट एड्रेस ये है फॉर द 2022 और इनके एड्रेस विद इन 2 to 3 years चेंज होते रहते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेना. देन आपको नियर बाय स्पीड पोस्ट ऑफिस में जाना है और नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जा करके आपको सिंपल इस वाले एड्रेस के ऊपर बोल देना कि मुझे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं फॉर द बेस्ट कनाडा वेरीफिकेशन. तो वो आप समझ जाएंगे क्योंकि वो आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स उनके पास आते होंगे तो उनके लिए डेली का काम है. तो वो आपका यहाँ पर एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म लगाएंगे ताकि जो भी हमारे कंसाइनमेंट्स जो हैं वो इंडिया से आप बाहर जाते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए होता है ये. और आप जैसे ही पोस्ट ऑफिस में जाओगे और अपना ये सब काम करवा दोगे तो आपको एक कंसाइनमेंट नंबर मिलेगा, उस कंसाइनमेंट से आप ट्रैक कर सकते हो और आप पूछ भी सकते हो कि कितने दिनों में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पहुँच जाएंगे. उन्होंने 10 दिन बोला था कि विद इन मैक्सिमम 10 डेज आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे. तो जैसे मैंने 2 तारीख को यहाँ पर अप्लाई किया था तो 10 तारीख को उनके एड्रेस पर जो डिलीवरी है वो कन्फर्म हो गई थी. तो मेरा जो टेक्निकल बोर्ड है वो जोधपुर था तो मैं जोधपुर गया, वहाँ से मैंने जो भी स्पीड पोस्ट नियर बाय था मेरे टेक्निकल बोर्ड के तो मैं उस वाले स्पीड पोस्ट के ऊपर गया, वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया था. अब मैं जैसे ही वहाँ उस वाले स्पीड पोस्ट ऑफिस पे गया तो जो ये पर्सन था जो वहाँ डिलीवरी करता है सब कामों की, तो वो समझ गया था कि हाँ इसको भी वेस्ट कनाडा के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं. तो ऐसे ही आप किसी और अपने नियर बाय स्पीड पोस्ट ऑफिस पे जाओगे जो कि टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नियर बाय है तो उनके लिए डेली का काम है तो वो सब कुछ सही करेंगे, वो जो भी कमी होगी वो आपको बता भी देंगे कि आपको इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से करना है. और कंसाइनमेंट को आपको डेली ट्रैक करते रहना है, जैसे ही आपका कंसाइनमेंट ट्रैक हो जाएगा और ट्रैक होने के बाद वहाँ पर आइटम डिलीवरी कंफर्म हो जाएगी जिस दिन, सो आफ्टर दैट आपके आपके अकाउंट को ट्रैक करना है, जो भी आपने बेस की वेबसाइट पर जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था ये आपका रेफरेंस नंबर है और यहाँ पर आपका स्टेटस अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम. मैंने पहले पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया था, आफ्टर दैट ग्रेजुएशन बीटेक की डिग्री करी थी, तो जो भी मेरा टेक्निकल डिप्लोमा था मैंने उसके डॉक्यूमेंट अभी तक एसेस करवाए हैं तो वो एक्सेप्ट हो चुकी है. ये आप चेक कर सकते हो कि मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट था वो एक्सेप्टेड आ रहा है और ये मेरी मार्कशीट्स थी जो कई जगह ट्रांसलेशन बोल देते हैं
वो भी एक्सेप्टेड। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट था ये एक्सेप्टेड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मेरे डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए थे। आपको ये भी स्टेप करना होता है, जो जब भी आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करो उससे पहले इस वाले सेक्शन पे जा करके आपको आपके जो दो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि मेन डिग्री या डिप्लोमा के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। एक मिनट मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, ये लॉग अप हो गया। सो आफ्टर दैट आप अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए और इन सब प्रोसेस के लिए अप्लाई करना। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही आप अपलोड करने जाओगे तो अभी मैक्सिमम आप 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, बट मैंने मेरे केस में 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आप अपना फॉर्मेट भी इस तरीके से रखना, ये डिग्री का सर्टिफिकेट है, आफ्टर दैट योर नेम एंड आफ्टर दैट योर रेफरेंस नंबर, और एक पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। और ये देखो ये मैंने फैब में ही अपलोड कर दिए थे पहले ही। बैक टू अकाउंट टाइमलाइन एंड आफ्टर दैट जैसे ही मेरे डिप्लोमा की ट्रांसक्रिप्ट वहां पर उन्होंने वेरीफाई करी, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई, यहां पर स्टेटस आ गया था एक्सेप्टेड। और अभी वो मेरा वेट कर रहे हैं कि लाइक मैं कब उनको अपनी डिग्री के सर्टिफिकेट्स जो है वो सेंड करूंगा। एंड डिग्री के सर्टिफिकेट जैसे ही मैं ट्रांसक्रिप्ट अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई करने के बाद विद इन 1 मंथ वो मुझे मिल जाएगी और यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जा करके और मैं इसी एड्रेस के ऊपर दोबारा से सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपको हमें जो है यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिल गई है और हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और वो एसेस हो रही है। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगी देन मेरी जो एजुकेशन है वो किस कैटेगरी में आती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइक मेरा आएगा 2 और मोर सर्टिफिकेट, बिकॉज 1 इज मेरा टेक्निकल डिप्लोमा एंड अनदर 1 इज माई बीटेक डिग्री। तो आपको इस तरीके से आप एसेस करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। आप किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वीजा कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे और यहाँ पर आप यहाँ से भी अपना जो है वो ट्रांसक्रिप्ट का जो भी पैकेज है वो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर अपना कंसाइनमेंट नंबर डाल करके ये है आपकी ऑर्डर हिस्ट्री। इसके अंदर ये देख रहे हो अभी तक आपका जो भी ऑर्डर है वो ऑन होल्ड दिखा रहा है विद इन दिस रेफरेंस नंबर, और ऑर्डर के अंदर है क्या, ये जो भी हमने पेमेंट करी ये उस चीज का ऑर्डर की स्टेटस है। तो इसके अंदर अभी तक आप देख सकते हो कि वो ऑन होल्ड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मेरे ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और वो मेरे को एक वाया ईमेल एक स्टेटस सेंड करेंगे कि हाँ आपके हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको इस कैटेगरी में आपका इस वाला स्टेटस आपको मिला है। सो ये स्टेटस में भी ऑन होल्ड आ रहा है क्योंकि बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट स्टेटस जो डेट हुआ था 5/20/22 को हुआ था। तो अब जैसे ही मैं अपनी बीटेक की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके लिए अप्लाई करूँगा विदिन 1 मंथ वो मुझे मिल जाएगी वहीं पे ही। आपको ऑफलाइन यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर अप्लाई करना होता है, ऑफलाइन की गेट करनी होती है, वहीं विद इन द यूनिवर्सिटी आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ वहीं पर जाकर के आपको इसी एड्रेस के ऊपर वापस भेज देनी है। यही सब प्रोसेस है, इतना कोई ज़्यादा घूमने फिरने की और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती है। आपको बहुत सारे वीडियो जरूर मिलेंगे बट किसी ने कुछ बताकर किसी ने कुछ बता रखा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप मेरी इसी सीरीज को देखते रहिए, जो जो मेरा प्रोसेस है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वो आपको सब चीज़ें शेयर करता रहूँगा। एंड आप मेरी जो मैंने पहले भी वीडियो डाली उसमें भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए। और इस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी कनाडा जाना चाहते हैं, जो भी कनेडियन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टडी वीजा हो चाहे वो PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन तो आपको ऐसे करवानी पड़ती है। तो आपको जो जो स्टेप्स हैं उसमें तारीख का देना हो और आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे तो उसके लिए आई सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।